आम आदमी पार्टी पर आज जमकर बरसे सुखबीर सिंह बादल। आम आदमी पार्टी को उन्होंने लुटेरों की पार्टी बताते हुए टिकटों को बेचने की बात की और सुच्चा सिंह छोटेपुर प्रकरण को पार्टी का सच सामने आना बताया। सुखबीर बादल ने आने वाले दिनों में पंजाब में आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाने का दावा भी किया। सुच्चा सिंह छोटेपुर के अकाली दल में आने के सवाल पर बादल ने साफ इनकार कर दिया। मैं कहना चाहना है आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। आम आदमी असीं पहले कहा सी कि टिकटां बेचते हैं, करोड़ों रुपये इकट्ठे करते हैं। उन्होंने कन्वीनर ने भी कहा था कि यह टिकटां बेचते हैं। ये तो वध सबूत की हो सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के जिन्हें टिकटां दित्तियां या उन्होंने हेड है देने वाले वो आप इल्जाम लाउन। तो मैं कहना चाहना है जी पार्टी है जिहड़ी तबाही कर रही है, दिल्ली तबाही कराई, झूठ बोल के ड्रामा करके उन्होंने दिल्ली सरकार बनाई, लोगों को गुमराह किया। हुण उन्होंने असलियत आ गई है। दिल्ली च भी जो हुण इलेक्शन होए कॉरपोरेशन दे उत्थे आम आदमी पार्टी सफाया हो गया। इत्थे ही पंजाब पार्लीमेंट के दौरान उन्होंने गुमराह किया जिहदे करके चार सीटां लै गए। पर उहदे बाद जो तलवंडी साहब उहदा बाय इलेक्शन आया, आम आदमी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए जिथे उन्हों की पूरी स्त्री विंग आप की प्रधान लड़ी, उस जमानत जब्त उत्थे हुई। इस करके आ पार्टी का भोग पै गया, अंतिम संस्कार हो गया। तो इस कर जो थोड़ा मोटा बचा है वो अगले दिन छोड़ना। मैं कहना कि सारे कमाई करते लगे हैं, आ जिन्हें है आ सारे इन्हों की कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई इन्हों का कोई पार्टी प्रति कोई प्यार नहीं। आम आदमी पार्टी जिन्हें लीडर है उन्निया पार्टियां वो सारे कट्ठे हुए हैं नोट कमाउन वास्ते ते लुटन वास्ते। वो असी विचार चल रही है सुषमा स्वराज जी ना कि इतने एक समिट हो रहा फॉरन अब कई मिनिस्टर का समिट, असी चाहते हैं गुरु की नगरी आ जाए। उन्हें टीम आई, एडवांस टीम आ गई इतने देखने वास्ते। असी चाहते हैं कि उन्हें समिट इतने होने नाल बहुत वड्डी अपने बूस्ट मिलेगा अपने पंजाब। असी साढ़े पार्टी अपनी टीम बहुत वधिया सी, दूजे की लोड़ नहीं। अमृतसर से रोहित कुमार की रिपोर्ट।